Okay, so hello everyone. Last time we have seen one problem based on graphical determination of residue. Let us see one more problem on the graphical determination of residues. मतलब वेरिएबल दिया रहेगा वी ऑफ एस और आई ऑफ एस और एनी नेटवर्क फंक्शन दिया रहेगा, उस पर से उसका इन्वर्स निकालना है हम लोगों. बट जो रेसिड्यू निकाल दे वो ग्राफिक पोल जीरो प्लॉट यूज करके निकालना है. तो आई ऑफ एस दिया हुआ है यहाँ पे, इस पर से आपको निकालना है आई ऑफ टी. सो आई ऑफ एस इज गिवन यूजिंग पोल जीरो डायग्राम, फाइंड द करंट रिस्पॉन्स इन टाइम डोमेन. मतलब आई ऑफ टी निकालना है. ओके तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया हम लोगों ने, आई ऑफ एस इज इक्वल टू के वन अपॉन एस प्लस टू प्लस के टू अपॉन एस प्लस फाइव. ओके नाउ टू फाइंड आउट के वन, के वन निकालना है तो पहले इसका पोल जीरो प्लॉट निकाल लेने का. जीरो इज एट एस इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन को जीरो है और दो पोल है माइनस टू एंड माइनस फाइव को. सो माइनस टू एंड माइनस फाइव को दो पोल है. ओके ये जीरो एंड पोल्स को हम लोगों ने नाम दे दिया ए बी सी. ओके अभी के वन निकालना है आपको, तो उसके करस्पॉन्डिंग पोल कौन सा है, एस इज इक्वल टू माइनस टू. के वन के करस्पॉन्डिंग पोल जो है वो पी वन रहेगा, के टू के करस्पॉन्डिंग पोल जो रहेगा वो पी टू रहेगा. सो के वन के करस्पॉन्डिंग जो पोल्स है एस इज इक्वल टू माइनस टू, वो पी वन है आपका और वो ये है, बराबर है. ओके एंड फिर आप लोगों को फॉर्मूला यूज करना है के वन निकालते वक्त एच. लास्ट टाइम वी हैव सीन द फॉर्मूला एच. एच मतलब ये फंक्शन में जो कॉन्स्टेंट रहता है, कॉन्स्टेंट हियर इज फोर इंटू वेक्टर फ्रॉम जीरो टू पी वन. जीरो से लेकर पी वन तक का वेक्टर मतलब ए बी बार. ओके जीरो से लेकर पी वन तक का वेक्टर ए बी बार, ए बी बार अपॉन वेक्टर्स फ्रॉम अदर पोल्स टू पी वन. अदर पोल्स कौन सा है, तो ये सी पोल्स है. अदर पोल्स टू पी वन मतलब सी बी बार, ऐसा है. सो अपॉन सी बी बार ऐसा हो गया. अभी ये ए बी बार का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो उसका इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट हैव द एंगल. सो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. फाइनल वैल्यू इज माइनस टू, तो देयरफॉर इट्स वैल्यू विल बी माइनस टू माइनस ऑफ माइनस वन, फाइनल माइनस इनिशियल विच इज कम्स आउट टू बी माइनस वन. ओके माइनस टू माइनस माइनस वन, ये भी हॉरिजॉन्टल वैल्यू हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही है तो इसका वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल. सो माइनस टू प्लस फाइव, माइनस टू प्लस फाइव इज नथिंग बट थ्री एंड देयरफॉर के वन इज कम्स आउट टू बी माइनस फोर बाई थ्री. सिमिलरली विल फाइंड आउट के टू. के टू निकालते वक्त अभी पोल जीरो प्लॉट ड्रॉ कर लिया, पोल्स को डिफाइन कर लिया ए बी सी एंड देन के टू इज अभी के टू के करस्पॉन्डिंग पोल्स पी टू यहाँ पे है. ओके तो ये यहाँ पे हम लोगों का फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो h इंटू वेक्टर फ्रॉम जीरो टू पी टू. जीरो टू पी टू मतलब ए सी बार. ओके जीरो टू पी टू मतलब ए सी बार. सो ए सी बार अपॉन वेक्टर फ्रॉम अदर पोल्स टू पी टू. अदर पोल्स b है वहां से पी टू मतलब बी सी बार. ए सी बार का वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज माइनस फाइव, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा तो इट विल कम्स अप टू माइनस फोर एंड बी सी बार का वैल्यू विल बी माइनस फाइव प्लस टू दैट इज माइनस थ्री. सो दिस इज कम्स अप टू बी सिक्सटीन बाई थ्री. फिर इसमें के वन के टू का वैल्यू पुट किया, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लिया, विल गेट द टाइम डोमेन रेस्पॉन्स. दिस इज बेसिकली दी सेकेंड प्रॉब्लम, हाउ टू फाइंड आउट द रेसिड्यूज यूजिंग पोल जीरो प्लॉट, दैट इज वी गॉट द ग्राफिकल डिटरमिनेशन ऑफ रेसिड्यू. ओके हमेशा एग्जाम में प्रॉब्लम आता है इसके बेस. So, do it carefully.